Z3 and T4। ये तो मैं आपको बाद में इसका हल बताता हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना है। पहले आप ये देख लें कि वो सवाल में आपको कह रहा है कि y डायरेक्टली है x क्यूब के, इसको डायरेक्टली कहते हैं, और इन्वर्सली है z स्क्वेयर के और t के। इन्वर्सली का मतलब होता है वो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है इन्वर्सली होके, और इन दोनों को कंबाइन करें तो x क्यूब ऊपर है ना और z स्क्वेयर t नीचे आएगा, तो अल्टीमेटली ये सवाल उसका बनता है। यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है ये साइन ख़त्म करने के लिए हम k लगाते थे कांस्टेंट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लो। अब इन स्टेप्स को आप जेन में रखो, आपको ये सवाल करना बिल्कुल भी इजी हो जाएगा। y की यहाँ से वैल्यू आ गई है ना इक्वेशन 1, यहाँ से अब आपने इन सब की वैल्यूज पुट करनी है और k की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूज़ कौन सी पुट करनी है जो उन्होंने पहले आपको बताई है, ये वाली y16 x4 z2 t3, ये पहली वैल्यूज हैं, ये पुट करो कि k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये रखें s x इज इक्वल टू 16 y16 x4 z2, ये आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दी k, क्योंकि k हमने फाइंड करना है ना, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ये आपका यहाँ तक आ गया, अब आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको वहीं पर लिखा रहने देते हैं, जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे आके डिवाइड, जो डिवाइड हो रहा है वो मल्टीप्लाई। अब ये देखें ये 12 डिवाइड हो रहा था ना, ये उधर जाके 16 से मल्टीप्लाई हो गया, 64 के से मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने यहाँ पर आके डिवाइड कर लिया, अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया, कटिंग करेंगे तो आंसर आ गया 3। ये के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपकी जो इक्वेशन 1 थी वहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दें तो वो क्या बन गई, वाई इज इक्वल टू 3x³ है। अब जब ये वैल्यू पुट कर दें तो इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। इक्वेशन 1 जब निकली थी उसमें पहला आपने सेट ऑफ पॉइंट्स की वैल्यूज पुट की थी, जब इक्वेशन 2 आ जाए उसमें दूसरा पुट कर दें आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें ये इक्वेशन 2 आ गई है ना पुट, ये जो सेकंड पेयर ऑफ सेट्स है ना इनकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दें सेकंड में, वाई एज इट इज़ वाई तो फाइंड करना है ना, बाकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कटिंग होती है ना, 3 3 ज़र 9 और 4 2 ज़र 8, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मेथड इज सेम, इफ वी वेरीज डायरेक्टली एज प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब एंड इन्वर्सली एज जी स्क्वेयर। आगे उसी तरह उसने दो वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यू सेट है, फाइंड वैल्यू ऑफ वी व्हेन दिस। सिंपल क्राइटेरिया, सबसे पहले क्वेश्चन को समझें, वी डायरेक्टली एज प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्यूब, तो हमने लिख लिया v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई क्यूब, एंड इन्वर्सली का मतलब होता है 1/1 करके z स्क्वेयर, तो अल्टीमेटली इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या बन जाएगा, एक्स v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इज डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वेयर। ये साइन ख़त्म करके यहाँ पर मैं इक्वल टू लगा दिया, साथ कॉन्स्टेंट k आ गया, ये इक्वेशन 1 आ गई। जब इक्वेशन 1 आ गई तो मैंने आपको कहा था वहाँ पर आपने पहला वैल्यूज़ का सेट लगाना है तो वहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये देखें v27, ये पहला सेट जो था ना मैंने ये इक्वेशन का पुट किया 1 में, यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, ये वही वाला स्टेप कि k हमने फाइंड करना है, 7 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 216 डिवाइड हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई 7/8 कटिंग करके, ठीक है। अब इक्वेशन 1 आपकी क्या बन गई, यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दें, ये इक्वेशन 1 थी वैल्यू पुट की, ये आ गया, ये इक्वेशन 2 बन गई ना, और मैंने आपको कहा जब इक्वेशन 2 आ जाएगी तो सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज आपने पुट करनी है आंसर आ जाएगा। अब ये सेकंड वैल्यूज़ हैं, अब ये आपने पुट करनी है, पुट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ये पहले हमने इक्वेशन 2 लिख ली, जब भी सॉल्व करना है ना वैल्यूज तो पहले इक्वेशन ज़रूर लिख लेनी है, दिस इज इक्वेशन 2, x की वैल्यू y की वैल्यू मैंने पुट की तो आंसर हमारा आ गया कटिंग करके 40। ये देखें कटिंग यहाँ पर भी हो रही है, कैसे कटिंग हो रही है ये देखें, 8 8 से कैंसिल, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 7 2 ज़र 14 डिवाइड बाय 3 आ गया, तो 14/3 आंसर आ गया। बेटे द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू पीपल हैव टू डू बाय योर ओन सेल्फ, रिगार्डिंग एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।